हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नर है एंड आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे WHM क्लस्टर्स के बारे में। और ये अपना WHM का मास्टरिंग कोर्स चल रहा है, ये इसका 31वां वीडियो है। जितने भी वीडियो आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके इस कोर्स के जितने भी वीडियो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी WHM में जाते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर क्लस्टर लिखा हुआ है, इस पर जब क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्लस्टर, और तो कॉन्फ़िगरेशन क्लस्टर में आने के बाद यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन आता है। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप और भी WHM का सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड क्लस्टर का यूज़ ही यही होता है, मल्टीपल जैसे यहाँ पर आप क्लस्टर लिखोगे ना, तो ए नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एंड ग्रोइंग। तो जितने भी आप जैसे 5-10 आप यहाँ पे WHM के सर्वर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड वो साथ में काम करेंगे। जो सेटिंग्स आपकी इसकी है वो आप उन पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनसे। एंड आपका जो एक का सर्वर लोड है वो भी आपका क्या काम हो जाएगा, बिकॉज आप मल्टीपल WHM एक साथ यूज ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो उस सर्वर की आप यहाँ पे IP रख दो या उसका जो होस्ट नेम है वो रख दो, यहाँ पे फिर उसका यूजर नेम एंड यहाँ पे फिर API टोकन आपको सबसे पहले उसका अलाउ करना होगा। जैसे आपके पास अदर जो WHM है तो उसमें जाना है और आपको नेटवर्किंग में या आप API टोकन यहाँ पे सर्च कर लो। API टोकन तो ये है ना, मैनेज API टोकन, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डेवलपर API टोकन है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फिर वो डाल सकते हो। तो ये काम कहाँ पे करना है, जो WHM यहाँ पे आपको ऐड करना है ना, जो WHM का सर्वर यहाँ पे ऐड करना है उस वाले में कहाँ काम करना है, बिकॉज ये तो अपना मास्टर सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जनरेट टोकन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप टोकन का नाम लिख देना एंड उसकी एक्सेस यहाँ पे डाल देना। तो नीचे आते हैं और ये ना ऑल फीचर पे क्लिक करना उनमें एंड यहाँ पे उसका नाम रख देना कुछ भी, VK ओके एंड सेव पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे एक सेव पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक टोकन यहाँ पे मिल गया है, API टोकन, ठीक। एंड इसको यहाँ पे सेव कर देना, यहाँ पे IP रख देना। ये उस WHM में करना है जो आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो, इसमें नहीं करना है। इसमें तो मैंने ओनली आपको दिखाया कि कैसे ये अपन करते हैं, बिकॉज ये तो अपना मास्टर सर्वर है, यहाँ पे अपन दूसरा सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, WHM या जो कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कर सकते हैं, 5 WHM, 10 WHM एंड ये ऐड होने के बाद जो आपकी जो सेटिंग्स हैं उनको भी आप ओवरराइट कर सकते हो, तो वो उन पे भी अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं DNS क्लस्टर में, ठीक है। DNS क्लस्टर को आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। DNS क्लस्टर भी वही है कि एक ग्रुप होता है नेम सर्वर्स का, मतलब जो क्लस्टर आप कहीं पे भी लग गया, मतलब वो मल्टीपल चीज़ों का एक ग्रुप है जो कि एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप DNS के क्लस्टर का यूज ले सकते हो। एंड DNS क्लस्टर का इसलिए यूज लेते हैं कि एक अगर आपका सर्वर या DNS डाउन हो गया तो जो सिस्टम है वो रनिंग में रहेगा। इसका ना आप एक, मैं इसका पोस्ट का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है विथ ग्राफिक्स, यहाँ पे कि समझाया गया है कि एक सेंट्रल DNS ओनली क्लस्टर है, जैसे ये डिफरेंट WHM है या जो cPanel सर्वर है उनका एक NS1 है, NS2 है, ठीक है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप सही से देख पाओगे। एंड ऐसे जैसे देखो ये 5 सर्वर यहाँ पे ऐड हैं, ऐसे ऐड होंगे सर्वर, ठीक है। एंड फिर जैसे ही ये सर्वर ऐड हो जाएगा फिर ऐसे आएगा कि
ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज अपडेट करना है या नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, जो रूल्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे न्यू सर्वर में। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना, एंड फिर यहाँ पे इसको एनेबल डीएनएस क्लस्टरिंग करते हैं, बिकॉज अगर जब आप मल्टीपल यूज करोगे ना तो इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। अभी तो क्या ओनली एक ही WHM है मेरे पास, तो मेरे को ये करने की यहाँ पे नीड नहीं है। जब आपके पास मल्टीपल WHM हो जाएंगे तब आपको ये करने की नीड होगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, बिकॉज इस वीडियो में यही बताना था कि आप क्लस्टर्स का कैसे यूज ले सकते हो, एंड ये अपन क्यों काम में लेते हैं। ये मल्टीपल जब सर्वर्स होते हैं तब अपन इनका काम में लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।